तो यार आज मैं एक न्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लू लॉक। बेसिकली ये एक फुटबॉल गेम पे बेस्ड है। इसके चलते ही जो कि ये दूसरे सोकर एनिमे से थोड़े से डिफरेंट है। और हाँ, जो बड़कते हुए शोले तुम ओशो हिनुमारो में देखते हो, वही बड़कते हुए शोले, वही इंटेंसिटी, वही जनून और जज्बा तुम इसी स्पोर्ट एनिमे में भी देखोगे, पर सोकर खेलने के दौरान। फिलहाल तो ये लेटेस्ट एनिमे है जिसकी अभी तक 4 एपिसोड ही एयर हुआ है। खैर यार, मैं जानता हूँ मिस रेस में थोड़ा सा पीछे हूँ, पर जो भी यार, ये मेरा अपना स्टाइल है। इस एनिमे को अपने स्टाइल से एक्सप्लेन करूंगा, और इन द एंड ऑफ द डे इस एपिसोड को फुल देखने के बाद इतना तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, तुम लोग मेरे स्टाइल की ही दाद दोगे, और बाकी की भी एपिसोड तुम लोग मेरे चैनल में ही देखना पसंद करोगे। तो चलो यार, एपिसोड की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एपिसोड काफी ज्यादा डिटेलफुल है। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत में फुटबॉल प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से होती है, जहाँ पे हम अपने मेन करेक्टर को देखते हैं, सभी लोगों के बीच में से सोकर बॉल को लाते मार मार के ले जाई जा रहा होता है। दौरान उस लम्बे में उसी बीच में बस उसके सर पे एक ही चीज का नशा होता है, जो कि वो जैसे तैसे कैसे ना कैसे करके बस प्रीलिम्स में विक्ट्री हासिल कर ले, किसके बाद वो असली नेशनल टूर्नामेंट्स में खेल पाए। में हमारा मेन करेक्टर इशिनन स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उतर ही उनके खिलाफ में मात्सुका से हाई स्कूल खेल रहा होता है। तो हाँ यार, इसी तरह हमारा मेन करेक्टर इसी नशे के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक वो अपने अपोजिंग टीम में से गुजरते गुजरते गोलकीपर के बस सामने आ खड़ा होता। उस लम्बे में अगर कोई इसे गोल करने से रोक रहा भी होता तो वो सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर खुद ही होता। हम देख पाते हैं हमारा मेन करेक्टर फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से तैयार होता है गोल करने के लिए, जो जनून जो उसके सर पे सवार होता है। पर इससे पहले हमारा मेन करेक्टर गोल कर भी पाता कि तभी पास में ही मौजूद मेन करेक्टर का टीममेट उसका नाम पुकारते हुए कहने लगता, इसाकी फौरन से मेरी तरफ पास करो। अपने टीममेट को यूं पुकारता देख के हमारा मेन करेक्टर इसाकी अपने दिल ही दिल में कहने लगता, क्या उसे पास करने से हमारा स्कोर हो जाएगा। हालांकि इसी दौरान इसाकी का कोच चलाते हुए कहने लगता, इसाकी याद रखो, इट्स ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। जो सुन के अब हमारे मेन करेक्टर को होश आती कि हाँ यार, कोच सही कह रहा है, ये बॉल एक से सब के लिए, सबसे एक के लिए। सोकर एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें 11 टीम मेंबर्स मिलके खेलते हैं। तो हाँ यार, अपने कोच के मुताबिक इसाकी जो ही अपने टीम मेंबर को सोकर बॉल पास ही करता है, उस दौरान हमारा मेन करेक्टर अपने दिल ही दिल में कह रहा होता, चलो यार, अब इस गोल के बाद हमारा स्कोर बराबर हो जाएगा। हालांकि इसाकी का टीम मेंबर गोल करने में बदकिस्मती से नाकाम हो जाता, पर ना कि सिर्फ इतना, पूरे तरीके से नाकाम होते होते सोकर बॉल अब उनके अपोजिंग टीम के हाथ में लग जाता। की शुरुआत वो काउंटर से करते और पुश करते करते वही सोकर बॉल अपोजिंग टीम में ही पास होकर किरण रजोसोके नाम के एक शख्स के पास जाती, जो मौका पाते ही किरण फौरन से गोल कर डालता। तो हाँ यार, इसी तरह अपोजिंग टीम अपनी विक्ट्री हासिल कर लेती, जो देख के इसाकी बस अपना लटकाया हुआ मुंह लेके वहां से ले जाने ही लगता है। जाते जाते उसकी नजर पास में मौजूद किरा के इंटरव्यू पे पड़ती, ताकि सुनता है इंटरव्यूवी किरा की तारीफें और दाद देते हुए कहने लगती है, तुम यहाँ तक खेलने के लिए जापान की U18 टीम ने भी बुलाया था। तो किरा इसके जवाब में कहता है, ये बात तो ठीक है, पर फिलहाल मैं अपनी इसी टीम के साथ नेशनल में जीतना चाहता हूँ। एक चीज मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ, मैं आज जो भी हूँ और जितना दूर तक भी आया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीममेट्स की वजह से आया हूँ। खैर यार, दूसरी और कहानी इसाकी और उसकी टीम मेंबर्स पे जाती है, जो कि अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं। उनका कोच स्पीच देते हुए कहने लगता है, तुम सबने काफी बहादुरी से लड़ा, और ऊपर से 3rd ईयर को इस साल छोड़ के जाना पड़ेगा, पर तुम्हें उन दिनों पे फख्र होना चाहिए जो लम्बे जो मौके तुमने अपने टीम मेंबर्स के साथ गुजारे। पर मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हें ये दिन याद आएगा और तुम कहोगे कि तुम्हारा ये मैच वेस्ट नहीं हुआ। ये जैसे तैसे कह रहा होता है, उनका कोच और उनकी पूरी टीम रोने लगती। तो इसाकी बस चुपचाप खड़ा, अंदर ही अंदर से टूटा हुआ बस देखता चला जाता। इसी तरह कोच मजीद बोलता, जहां तक मुझे पता है हमारी इशिनन टीम पूरी जापान में बेस्ट है, चाहे लोग मेरे मुंह पे आके जो मर्जी बोले। पर इसाकी अंदर ही अंदर से अपनी कोच की बातों से एग्री ना करता, और वो दिल ही दिल में मजीद बोलता, नहीं, हम ही वो वाहिद टीम है जो कि प्रीलिम्स में हार गई। उसी सीन में हम देख पाते हैं इसाकी थक हार के लौट के वापस जा रहा होता है, और अभी भी वो अपने पिछले मैच के बारे में ही सोच रहा होता है। और मैं भी एक अनजान सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि उसी टीम का हिस्सा हूँ, और यही सच्चाई है। मुझे माफ करना नोवा, मैंने
तुम्हें नाराज किया। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी तरह एक सुपरस्टार बन पाऊंगा। दरअसल इसागी भी नोवा की तरह एक सुपरस्टार सॉकर प्लेयर बनना चाहता होता। यहाँ तक इसागी बचपन में काफी अच्छा भी खेला करता था, पर यहाँ पे आके उसे लग रहा होता है कि अब उसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही है। ये सोचते हुए वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या होता अगर मैं उसे बॉल पास ना करता, फिर क्या फिर मेरी आगे की किस्मत बदल होती। उसे लग रहा था यह सब कुछ टीम वर्क की वजह से खराब हुआ। सागी अंदर ही अंदर से काफी परेशान होता, वो पूरे तरीके से टूट चुका होता। यही वजह से वो जोर से चलाता अपनी परास निकालने के लिए। इसके बाद वो रोने लगता। तो हाँ यार, अब देखते ही देखते रात हो जाती है। इसके बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर कल लौट के खाने की मेज पे बैठता है, तो उसकी मदर उसे एक लेटर दिखाते हुए कहने लगती है, ये जापान की फुटबॉल यूनियन टीम की तरफ से आया है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे खोल के देखता ही है, वो एक तरह की इनविटेशन होती है। इसी तरह अब अगले दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पे सागी फुटबॉल यूनियन क्लब के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होता है। वहीं पे उसकी मुलाकात अपने कल के अपोजिंग टीम मेंबर खेरा से होती है। हमें पता चलता है खेरा को भी यहाँ पे इन्वाइट किया होता है। खेरा यहाँ पे इसागी से कहने लगता है, कल तुमने अपनी जी जहाँ से गेम खेली, शायद अगर तुम हमारी टीम में होते तो तुम जरूर मेरे साथ एक गजब किस्म का टीम वर्क करते। उसकी सारी की सारी बातें इसागी के दिल को छू जाती। खेरा उससे ये भी कहता है, तुम मुझसे खुल के बात भी कर सकते हो। कहते हुए वो जूझी दोनों के दोनों हेडक्वार्टर में एंटर ही करते हैं। वो दोनों ना कि सिर्फ वहाँ पे खुद को पाते बल्कि काफी तादाद में काफी ज्यादा अपने जैसे और अपने से अलग भी करीबी बाजार इंटेंस प्लेयर्स को पाते हैं। सियाल में अचानक से लाइटें बुझ जाती है और एक ही शख्स पे लाइट फोकस की जाती है। बाजार सा शख्स आके कहने लगता, मेरा नाम है ईगो जिम्पाची, मुझे हायर किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके जापान नेक्स्ट वर्ल्ड कप को जीत कर ही रहे। वो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि आज तक जापान कभी भी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया। मेरा मकसद है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्ट्राइकर को पैदा करूं। यही वजह से तुम 300 लोगों में से जो एक आखिरी लास्ट एक बंदा बचेगा वही वर्ल्ड कप बेस्ट स्ट्राइकर खिलाएगा, और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैं नाम देता हूँ ब्लू लॉक। इसमें कदम रखने के बाद तुम लोगों को घर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। लोगों का पूरा ध्यान बस इसी ट्रेनिंग पे होगा। सब में खेरा अपना हाथ उठाते हुए और अपना मुंह खोलते हुए उसकी बात से डिसएग्री करता है। बता देता है कि हम सब की एक टीम है जो हमारे लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक तो नेशनल्स भी हमारे सर पे टूटने को आ रहे हैं, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये बात सुनने के बाद ईगो जिम्पाची कहने लगता है, अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, मेरी ये बात भी याद रखना, यहाँ से जाते हुए तुम लोग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो ले हो, तुम लोग वर्ल्ड के नंबर वन स्ट्राइकर बन सकते हो। इसी तरह ईगो जिम्पाची सबसे सवाल पूछता, तो फिर बताओ मुझे तुम्हारे लिए सॉकर क्या चीज है। एक टीम गेम जो लोग एक दूसरे को पास करते हैं। हाँ, जापान आज तक इतना ज्यादा वीक था भी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाईचारा की वजह से है। मैं तुम्हें बताता हूँ सॉकर होता क्या है। सॉकर बस सिंपली एक ऐसी गेम, यहाँ पे बस तुम्हें अपने अपोनेंट से ज्यादा गोल करने हैं। जो शख्स ना कि पूरी टीम, जो शख्स सबसे ज्यादा गोल करता है वही सबसे ग्रेटेस्ट होता है। पर उसकी एक एक बात खेरा को चुभने लगती। वो गुस्से से कहने लगता, इसी वक्त अपने अल्फाजों को वापस लाओ, तुम हमारी टीम के बारे में यूँ नहीं कह सकते, हम इनको ही देख के बड़े हुए हैं। उसकी ये बात सुन के ईगो जिम्पाची को जरा भी फर्क न पड़ता बल्कि वो मजीद और मिर्च मसाला छड़कते हुए कहने लगता, तो फिर बताओ मुझे आज तक जापान वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीत पाया, आखिर ऐसा क्यों। मैं तुम्हें बता देता हूँ, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स चाहे वो तुम्हारा स्टार नोवा या फिर मेसी रोनाल्डो, दुनिया में जितने भी बेस्ट है वो सिर्फ अपनी परवाह ही करते हैं, यहाँ तक उन्होंने खुद अपने मुंह से भी कहा है। और यही चीज जापान इसी चीज में तो लैक करता है, तुम्हें अपने अंदर गरूर पैदा करना है। तब तक वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर ईगो ना हो। खैर यार, लोगों को तो नहीं पता, अगर इस आगे उसकी थोड़ी बहुत बातों को समझने लगता तो जैसे तैसे मजीद बोल रहा होता कि कौन 299 लाशों के ऊपर खड़ा होगा वही एक सॉलिटरी हीरो होगा। उधर ही दूसरी ओर इसागी थोड़ी सी मोटिवेशन में लैग कर रहा होता, खुद से पूछ रहा होता, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया। तरी जिम्पाची अपना मुंह बंद ना रखता और वो उन्हें मजीद एक सिचुएशन देता। स्टेडियम में 80,000 पीपल मौजूद है और तुम उनकी नजरों में हो, तुम उस रिंग में उस फील्ड में मौजूद हो। टीम का स्कोर 0-0 है, स्कोर शुरू से बराबर रहने की वजह से सेकेंड हाफ का भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। उधर ही तुम हो जो कि बस गोल के इतने करीब हो, तुम्हारे पास वो क्वालिटीज है, तुम्हारे पास वो स्किल्स है, तुम ये कर सकते हो।
और फिर तभी पास में ही मौजूद एक पागल सा तुम्हारा टीममेट जोर जोर से चलाने लगे, मेरी तरफ पास करो, इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जापान का वो बोझ अब तुम्हारे शोल्डर्स पे है। अगर तुम्हारे अंदर वो गरूर हुआ, तुम्हारे अंदर वो परखते हुए शोले हुए, तुम बिना उसे पास किए अपने हाथों से अपने पैरों से खुद ही गोल करोगे। अगर तुम्हारी आंखों में वो जज्बा वो फ्लेम्स हुए, बिना हिचकिचाए बगैर पूरी विक्ट्री अपने नाम कर सकते हो। तो हाँ यार, अब ईगो जिम्पाची, जिसका नाम ही ईगो है, जिसका नाम ही गरूर है, वो ब्लू लोक का गेट खोल डालता और सबसे कहता जिसने जाना है वो जाए, उन्हें बता देता कॉमन सेंस जैसी चीज को गोली मारो, लोगों को गोली मारो, अपने टीममेट्स को गोली मारो, फील्ड में तुम ही वो चमकते हुए सितारे हो, तुम्हारे पास ही सब कुछ है, दुनिया की किसको परवाह है, दुनिया को दफा करो। एक तरफ तो अपनी बात कह देता, उसने कह दिया, सबने सुन भी लिया, लोगों को तो अभी तक समझ में ना आया होता, पर इसाकी समझ आता, इसाकी ने सब कुछ सुन लिया, उसने आज तक जो कुछ भी सुना वो से आज तक जितना भी सिखाया गया था उससे काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इसाकी मसीह सोचता, आज तक किसी ने मुझे यह नहीं सिखाया, किसी ने मुझे यह तक नहीं कहा। मैंने अपने टीममेट्स को रोते हुए देखा, मैंने भाईचारा देखा, पर आज मैंने कुछ नया देख लिया। सबके बाद गरूर से भरा हुआ शख्स ईगो जिम्पाची मजीद बोलता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उस जीत का क्या ही मजा होगा अगर सारे के सारे गोल्स तुम्हारे हाथों हुए हैं। एक एक बातें इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर गिर रही होती, जैसे कि वो अपने होशोहवास खो बैठा है, वो पूरे तरीके से जैसे कि अब वो हिप्नोटाइज हो चुका है। पर असल में ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इस साकी के वो भड़कते हुए शोले हैं। यहाँ पे ईगो अपना फाइनल डायलॉग मारता, यही तो एक स्ट्राइकर होने का मकाम है। उस हाल में मौजूद 300 लोगों में से सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर ब्लू लॉक की तरफ अपने कदम जमाने लगता। वो इंटेंसिटी इसाकी की आंखों में देख सकते हैं और वो कहता, मैं ही वो वाहिद स्ट्राइकर हूँ। इसी तरह वो सभी लोगों के बीच में से गुजरते गुजरते सीधा उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता, उसे पार करने के लिए अभी बस देखता चला जाता। इसके बाद फिर तभी इसाकी के पीछे अब पूरे 299 लोग दौड़ने लगते। फिर आखिरकार उन सबको यूं भागता देख के खरा भी बस उनके पीछे आने लगता। इसी तरह वो लोग अब बस में बैठ के ब्लू लॉक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे ईगो हम सबको बताता है कि यहाँ पे एक ऐसी जगह ब्लू लॉक में जहाँ से इस तरह से फुटबॉल को खेला जाता है जिस तरह से किसी ने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा, तो मैदान में वो गर्माइश पाओगे जो कि कभी भी तुमने फील्ड में नहीं देखी होगी। तो हाँ यार, अब सीन ब्लू लॉक के अंदर जाता है जहाँ पे अब हमारे मेन कैरेक्टर को नाम दिया जाता है 299 सेट। इसके चलते वो सेट रूम में भी होता है। रूम जेड में हमारे मेन कैरेक्टर को शामिल करके 11 लोगों का ग्रुप बनता है, जिनमें से एक वहां पे मौजूद गेरा भी होता है। रूम जेड में वहां पे काफी ज्यादा स्किलफुल और क्रीपी लोग भी होते हैं, जिसमें एक अनजान शख्स गेरा को जानता भी होता है और वो उससे मिलके काफी ज्यादा खुश होता है। सबसे पहले वो अपना नाम बताता, मेरा नाम है इगाराशी गोरीमू। इगाराशी के फादर एक बहुत बड़ा टेम्पल चलाते होते हैं और इगाराशी को उस टेम्पल में जरा भी इंटरेस्ट ना होता और उसका नंबर 300 होता है। इन सब के बाद रूम सेट में ईगो एक बहुत बड़े मॉनिटर के थ्रू कहने लगता है सबसे, जिन बंदों के साथ तुम अपना रूम शेयर कर रहे हो वो तो यहाँ तक तुम्हारे रूममेट्स भी हैं, पर इसके चलते ही तुम्हारे राइवल्स भी हैं, जिनके कारण तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे रैंक्स पे डिपेंड करती है, जो कि तुम सबकी शर्ट पे लिखी हुई है। इसके बात सुन के इसाकी के पैरों तले सभी खिसक जाती, क्योंकि उसका रैंक सेकेंड लास्ट होता 299। फिर ईगो उन्हें आगे बताने लगता है, तुम्हारा रैंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, तुम पे डिपेंड करता कि तुम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हो। और हाँ, तुम में से 5 प्लेयर ही 6 महीने बाद हेल्ड किए गए हुए टूर्नामेंट में खेल पाएंगे, वही U20 वर्ल्ड कप के लिए रजिस्टर्ड किए जाएंगे। पर इसके साथ ही साथ मैं तुम लोगों को ये भी बताता चलूं, जो यहाँ पे हारेंगे वो कभी भी जापान की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पे तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज अपने अंदर पैदा करनी है और वो है ईगो। इसके लिए तुम लोगों का पहला टास्क है, तुम लोगों ने बॉस से एक दूसरे को टैग करना है, जिसके लिए तुम्हारे पास 136 सेकंड्स है, जिसको आखिर में बॉल लग चुकी होगी और वो किसी को टारगेट करने में नाकाम रहा तो सिंपली वो आखिर में लॉक ऑफ हो जाएगा, मतलब के निकाल दिया जाएगा। सिर्फ तुम लोग अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते, बाकी जो दिल में आए वो करो। तो हाँ यार, सभी 11 लोगों में से जो इस गेम की शुरुआत करेगा वो कोई और नहीं बल्कि इगाराशि होता। जो देख के इगाराशि सॉकर बॉल की तरफ बढ़ने लगता और वो कहता, मुझसे इसलिए शुरुआत हो रही है क्योंकि यहाँ पे सबसे लोवेस्ट रैंक मेरा ही है। तो हाँ, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद से
जो मैं तुम लोगों के साथ करने को चाह रहा हूँ। हाँ यार, इसी तरह वो काफी जज्बे से इस गेम की शुरुआत करता। सारे लोग उससे दूर भागने लगते हैं। तरह कुछ लोग इकट्ठे करे होते हैं जहाँ पे मौजूद इसाकी और खेरा भी होते हैं। यू इकट्ठा देख के इगाराशी फौरन से उनकी तरफ ही शूट मारता। वक्त पे एनिमो के पे सब के सब वहाँ से हट जाते। पे मौजूद खेरा कहने लगता, इसकी सारी की सारी स्कीम्स है, अगर मैं यहाँ पे हूँ भी तो वो सिर्फ और सब उस अनजान चश्माटू को गलत साबित कर सकूं। उधर ही दोसी और इस तरह की अभी तक किसी एक को भी हिट ना कर पा रहा होता। फिर तभी अनजाने में वो एक जमीन में एक अनजान शख्स को लेटा हुआ पाता जो कि बस परे आराम से सो रहा होता। यूं जमीन पे लेटा देख के इस तरह की फौरन से उसको टारगेट करने की कोशिश करता। अनजान शख्स को टारगेट करना तो दूर की बात, इससे पहले इस तरह की बॉल को छू भी पाता। तभी वही अनजान शख्स घूमते हुए इस तरह की के मुंह पे एक दमदार किस्म की लात मारता। पर इस तरह की गुस्से से कहने लगता है, ये एक फाउल है, क्या तुम्हें पता नहीं है। फिर तभी वही अनजान सा क्रीपी सा शख्स कहने लगता, क्या तुम्हें पता नहीं है। चश्माटू ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब में इसाकी भी उस अनजान शख्स को काफी ज्यादा अजीब सा पाता। हालांकि इसी दौरान एक भली जैसा दिखने वाला शख्स उसे क्रीपी शख्स से कहने लगता है, ओए सही तरीके से गेम खेल, मुझे गंदे खेल पसंद नहीं है। एक तरफ तो वो मिस्टर क्रीपी गाय को लेक्चर ही दे रहा होता है। इस तरह की एनिमो के पे अच्छा मौका देख के ब्ली जैसे दिखने वाले शख्स के मुंह पे सॉकर बॉल से हिट कर डालता। इस कारण ब्ली जैसे दिखने वाला शख्स काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता, मैंने कहा नहीं कि फेयर तरीके से गेम खेलो। अब इसका मतलब टाइम खत्म होने से पहले पहले अगर इस ब्ली जैसे दिखने वाले शख्स ने किसी और को हिट ना किया फिर इसका फुटबॉल करियर यहीं पे खत्म हुआ। हाँ यार, इस तरह जैसे जैसे वही अनजान शख्स अब बॉल को गुस्से से लात मारने को जा रहा होता है कि इसी बीच में इगाराशी साकी को आगे ले आता अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरह सॉकर बॉल फौरन से जाके काफी तेजी से इस साकी के पेट पे दमदार तरीके से लगती। मतलब इस ब्लीच जैसे दिखने वाले शख्स का नाम हमें बताया जाता है जो के यार कुनिकामी रेंसुके होता है। खैर यार, कुनिकामी रेंसुके इस सागी से माफी मांगने लगता। हाँ, अगर इस सागी ने वक्त खत्म होने से पहले किसी को टैग दोबारा से ना किया फिर तो यार उसे ब्लू लॉक से लॉक ऑफ होना पड़ेगा। इस वजह से इस सागी दर्द से तड़पते हुए अपने दिली दिल में कहने लगता, शिट, अगर मैंने एक मिनट के अंदर अंदर हिट ना किया किसी को तो मेरा करियर यहीं पे खत्म होता है। इस सागी कैसे ना कैसे करके अपने कदम जमाते हुए खड़ा होता और उसके सर पे वो खौफ सा सवार होता है कि उसका करियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ताकि फौरन से जो भी सामने होता उसकी तरफ शूट करता और बदकिस्मती से वो बॉल उन्हें छू के भी ना गुजरती। ताकि उनका पीछा करते हुए अपने दिली दिल में कहने लगता, सारे के सारे अपनी टीम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, जिस सोच समझ के किसी को हिट करना पड़ेगा। अपने करियर को बचाने के लिए मुझे अपने से किसी कम रैंक वाले पे जाना पड़ेगा। इस वजह से सागी अपनी दिशा पलट कर इशराकी का पीछा करते हुए एक सुनहरे मौके की तलाश में होता। दौरान इस सागी काफी ज्यादा प्रेशराइज हो चुका होता है, अपने आप को टाइम से काफी ज्यादा पीछे पाता, गाड़ी उससे काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी होती। वो अपने करियर को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को अपनी ही आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा होता कि यहीं पे वो नोटिस करता है वही क्रीपी सा बंदा निकामी रेंसुके के पीठ पीछे सवार उसे पूरे तरीके से झंझोड़ के रखा होता है। मुस्कुराते हुए सागी से कहने लगता है, इससे वक्त यही है तुम्हारा सुनहरा मौका, करो इसे हिट करो और अपना करियर बचा लो। जो देख के इगाराशी भी उसकी हाँ में हाँ डालते हुए सागी से कहने लगता, यही एक मौका है वरना अपने करियर को बाय बाय कह दो। कुनिकामी रेंसुके कैसे ना कैसे करके क्रीपी गाय को पकड़ के इगाराशी पे फेंकते हुए जोर से चलाते हुए कहने लगता, मैंने क्या कहा, मुझे फेयर गेम पसंद है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं क्रीपी गाय के इगाराशी के ऊपर गिरने की वजह से इगाराशी के पैर पे मोच आ जाती। सबकी नजरें इगाराशी और इस सागी पे होती। केरा चिल्लाते हुए कहने लगता, सागी जल्दी करो। गले में अभी सिर्फ 25 सेकंड रह गए होते। सागी सॉकर बॉल को हल्के हल्के धीरे धीरे किक मार के इगाराशी के पास ले जाने लगता। इगाराशी काफी डरा हुआ हिचकिचाते हुए कहने लगता, मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता मेरा करियर यूं खत्म हो जाए। सागी के पसीने छूट रहे होते हैं। इस सागी काफी ज्यादा प्रेशराइज होता कि आंखें एक राशि पे लॉक ऑन हुई होती है। सागी मन में कहता, यही मेरा चांस है, मैं बच सकता हूँ। हम वो इंटेंसिटी और वो कंफ्यूजनेस इस सागी के चेहरे पे देख सकते हैं। आगे मजीद सोचता, पर अगर मैंने ऐसा किया तो इस बंदे का करियर खत्म हो जाएगा। टाइम सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स रह गए होते हैं। एक तरफ तो उसे दुख है पर उधर ही दूसरी ओर इस सागी को तो अपना करियर भी तो बचाना है। सागी के पैर उसके जिस्म से वो ओरा सा बाहर निकलने लगता। कूट कूट के इसके दिमाग में वो बात याद आती है। वो कहता है, नहीं, यहाँ पे सारे काम ऐसे ही होते हैं। अगर किसी जगह में जीत का कॉन्सेप्ट होता है तो उधर हार का भी होता है।
अपने ख्वाबों को सच करने के लिए, से मतलब किसी और के ख्वाबों को चकनाचूर कर डालना, इससे आगे बस उसके करियर को खत्म करने को ही जार होता है। ये देख के इकराशि भी सारी उम्मीदें खो बैठता और वो अपनी आंखें बंद कर डालता। अब देखते हैं, एक सेकंड गुजर जाता, दूसरा सेकंड गुजर जाता। अब परेशानी से इकराशि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता। वो देखता इसागी के पैरों के नीचे अभी भी वही सौकर बाल है और वो उसके सामने है। इसागी अपने से कहने लगता, ऐसे नहीं होता। हमें दिखाया जाता है इसागी के दिमाग में वो पहली वाली गलतियां चल रही होती है जिसकी वजह से वो मैच आ रहा। याद करते हुए इसागी कहता, अगर मैं अपनी इन गलतियों को संवारू ना तो फिर तुम्हें कभी भी नहीं बदल सकता। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। इसागी इगराशि को छोड़ते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ कर डालता। देख पाते हैं इसागी की आंखों में वो बढ़ते हुए शोले होते हैं, वो इंटेंसिटी होती है, जज्बा होता है, जो जनून जो उसके सर पे सवार होता है। कहता, जब तक मैं अपने से किसी बेहतर बंदे पे टारगेट ना करूं तब तक मैं खुद भी बेहतर नहीं बन सकता। क्रीपी गाय की तरफ बड़ा होता है। क्रीपी गाय उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगता, मुझे तुम पसंद आए। ये कहते हुए वो क्रीपी गाय इसागी के हाथों से वो खुद सॉकर बॉल छीन लेता। सॉकर बॉल से छू जाने के बाद अगला टर्न क्रीपी गाय का होता है। अगर वो वक्त खत्म होने से पहले किसी को हिट ना कर पाए तो उसका करियर खत्म हुआ। वो क्रीपी गाय हाथ धो के पड़ जाता है खेरा के पीछे। देख पाते हैं वही लुक, वही इंटेंस लुक, वही बाजार, वही पड़कते हुए शोले, वही जनून जज्बा, वही नशा। क्रीपी गाय के भी आंखों, दिमाग, दिल, रगो में खून की तरह दौरा होता है। क्रीपी गाय किरा की तरफ शूट करता, किरा एनी मौके पे टॉच करता। हालांकि उसी लम्हे में किरा उस क्रीपी गाय को अपने पीछे पाता, तब वो क्रीपी गाय उसी मौके में उसकी तरफ एक वार करता। उसे कैसे न कैसे करके किरा टॉच करके वहां से भागने लगता। सिर्फ 6 सेकंड रह गए होते, यही उस क्रीपी गाय के लिए मौका होता। पता है यहाँ पे क्रीपी गाय क्या करता है? क्रीपी गाय घूमते हुए वो सॉकर बॉल सीधा इसागी की तरफ पास कर डालता। इसी दिशा में किरा अपनी जान को बचा के भाग रहा होता है। हालांकि हम सबको पता है इस वक्त इसागी पड़कते हुए शोलों से उबर रहा है। इस वजह से वो सॉकर बॉल को देखते ही बस उसकी ख्यालों में खो जाता। सॉकर बॉल जैसे ही इसागी के करीब भी पहुंचती है कि दमदार तरीके से सीधा उस सॉकर बॉल को किक मारता। वही सॉकर बॉल एक दमदार तरीके से जाके खेरा के मुंह पे जा बचती। वो बॉल खेरा के मुंह पे बचने की देर थी और इसी बीच में टाइम अप हो जाता। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एक खतरनाक सी एपिसोड खत्म होती है।